नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रिपल से जून कर सर्टिफिकेट डाउनलोड करना सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों आपको आना है सर्वप्रथम अपने मोबाइल स्क्रीन में, उसके बाद आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में जो है ट्रिपल से डालकर सर्च कर लेना। जैसे ही गूगल क्रोम ब्राउजर में आप ट्रिपल से डालकर सर्च करोगे जो फर्स्ट लिंक दिखाई देगा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन इनाइलेट की वेबसाइट है, तो इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन एंड इनरोलमेंट सिस्टम इनाइलेट, आपको इसी पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इनाइलेट की जो ऑफिशियल साइट होती है वहाँ पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। तो एक बड़ा साइट दिखाई देगा यहाँ पॉपअप के रूप में दिखाई देगा, तो आपको यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई का चिन्ह दिखाई देगा यहाँ पर राइट साइड में, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ से कट कर देना। उसके बाद यहाँ राइट साइड में बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे रिजल्ट चेक करना, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, आप जुलाई का एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा डाउनलोड सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन भी दिखाई देगा, तो आपको इसी डाउनलोड सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको डाउनलोड करने का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से आप अपने इन्फॉर्मेशन वहाँ फिल करके और आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ आपको आना है फर्स्ट ऑप्शन में, आपको यहाँ फिल करना होगा जो आप यहाँ मेडुलर और रेगुलर, आप अगर ट्रिपल सी किए हैं तो यहाँ पर आपको रेगुलर पेज फिल करना है। अगर आप ओ लेवल बी लेवल या सी लेवल कोई भी अगर लेवल आप किए हैं तो इसमें जो है आपको मेडुलर आपको फिल करना पड़ेगा, तो आपको यहां से रेगुलर फिल कर लेना है। उसके बाद आपको कोर्स जो है फिल करना है, कोर्स और कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। उसके बाद आपको जो है अपना मंथ और सिलेक्ट कर लेना जून, उसके बाद यहाँ आपको 2022 सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर आपको जून दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पर जून का जो है सभी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया जो एग्ज़ाम जून में दिए थे, जो जिनका जून में जो है रिजल्ट आया था उनका सभी का जो है जून जो एग्ज़ाम दिए थे उनका सभी का जून ट्रिपल सी जून का जो है सभी का सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है आ गया है। तो यहाँ पर आपको जून फिल करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको जो है अपना रोल नंबर फिल करना है, जैसे जीओ का है, जैसे आप यूपी से हैं तो आपका जीओ से आपका रोल नंबर होगा, तो यहाँ पर GO22 आपको यहाँ फिल कर लेना है। तो हम अपना रोल नंबर फिल करेंगे, उसके बाद हम यहाँ नीचे आपको कैप्चा कोड फिल करने का ऑप्शन है, तो आपको कैप्चा कोड फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जो है अपना रोल नंबर फिल कर दिए, उसके बाद हम अपना कैप्चा कोड फिल करते हैं। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देगा, कैप्चा कोड जैसे आप फिल करोगे तो यहाँ पर आपको सबमिट बटन का ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए दोस्त यहाँ पर आपको कैप्चा कोड कुछ इसी प्रकार से फिल कर लेना है। अगर दोस्त चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना इसी प्रकार नया नया कंटेंट पाने के लिए। तो देखिए दोस्तों कुछ इसी प्रकार से आपको जो है यहाँ पर अपना जो है कैप्चा कोड फिल कर लेना है। एक से दो बार फिल करोगे क्योंकि कैप्चा कोड बहुत सारा यहाँ पर रॉन्ग बताता है, तो यहाँ से आप फिल करोगे तो आपका फेल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ नीचे आपको वेरीफिकेशन का ऑप्शन भी दिखाई देगा, तो हम कैप्चा अपना रोल नंबर फिल कर लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देख रोल नंबर फिल करने के बाद आपको DOB फिल करना पड़ेगा। DOB फिल करने के नीचे आपको कैप्चा कोड फिल करना पड़ेगा। आपको बता दें दोस्त यहाँ पर नीचे आपको सबसे लास्ट में आपको जो है कैप्चा कोड फिल करना है, तो अपना DOB ठीक प्रकार से फिल कर लेना है, उसके बाद ही आप अपना कैप्चा कोड फिल करना। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद वेरीफाई कोड आपको दो ऑप्शन आ जाएगा, तो आप ईमेल द्वारा वेरीफाई कर सकते हो या मोबाइल नंबर से, आप जो भी ऑनलाइन कराते समय आप दिए थे उसी कोड डाल देना या आप कोई भी डाल सकते हो। तो यहाँ से हम मोबाइल नंबर से करना चाहते हैं तो हम मोबाइल नंबर से कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, यहाँ सेंड OTP है तो OTP जाएगा हमारे मोबाइल नंबर पर। उसके बाद हम OTP को ला कर यहाँ फिल कर देंगे, तो हमने OTP को ला कर यहाँ पर फिल कर दिया है। उसके बाद यहाँ नीचे सबमिट बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो हम यहाँ ऊपर जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसे फिल कर देते हैं, उसके बाद हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हम जो है यहाँ पर आपको बहुत जल्द ही बता दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप टाइम कम लगे और जल्द से जल्द आप डाउनलोड कर सकते, तो सबमिट बटन पर क्लिक कर देना। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा कि आप किस ग्रेड से पास हैं, आपका नेम, आपका मंथ, आपका ईयर, जो भी होगा आपके फादर नेम मदर नेम आपको यहाँ पर आ जाएगा, आप किस ग्रेड से पास हैं यहाँ आपको दिखाई देगा, आप कौन से मंथ का है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ नीचे आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन एक दिखाई देगा, आपको इसे डाउनलोड सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउनलोड सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपकी गैलरी में जो है आपका जो है सर्टिफिकेट जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देना है। देखिए कुछ इसी प्रकार से आपको डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी गैलरी में जो है
चला जाएगा। तो हम आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा ओपन भी हो रहा है। अगर आपके मोबाइल में पीडीएफ रीडर है तो कुछ इसी प्रकार से आपको ऑटोमेटिक आपका जो है सर्टिफिकेट ओपन हो जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार से आपका सर्टिफिकेट दिखाई देगी, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन, आपकी फ़ोटो, आपकी सिग्नेचर, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, आपका मंथ, आपका रोल नंबर, आपका सर्टिफिकेट नंबर, आप कहाँ से अप्लाई किए हैं, डायरेक्ट किए हैं या आप सेंटर से किए हैं, इंस्टीट्यूट से किए हैं, जहाँ से भी किए होंगे, आपकी पूरी फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ स्मार्ट शीट में आ जाएगी। उसके बाद यहाँ नीचे आपको सिग्नेचर वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में दिखाई देगा। अगर आप इसे नहीं आप मोबाइल से बनाना चाहते हैं तो आप जो है इसके वीडियो का लिंक हम दे देंगे, आप वहाँ से बना सकते हैं, इसे आप हरा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्त, नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू दोस्तों।